फ्रेंड्स, हम अपने इस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी। हम लोगों ने देखा है कि जो हेड्स ऑफ इनकम होते हैं वो फाइव टाइप्स के होते हैं, फाइव कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। ओके, पहला हेड जो हमारा बनेगा वो सैलरी हेड का है, एंड सेकेंड हेड जो हमारा है हाउस प्रॉपर्टी का है, एंड थर्ड हेड हमारा जो है प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड का बनेगा, एंड फोर्थ कैपिटल गेंस एंड लास्ट अदर सोर्सेस का। ठीक है, यानी एक एसएससी को जितनी भी उसकी इनकम होगी उसकी इनकम को हम फाइव कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ओके, अगर उस एसएससी को अगर सैलरी मिली होगी अपने एम्प्लॉयर से तो उसकी सैलरी जो टैक्सेबल की जाएगी सैलरी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। अगर उसके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी होगी और वह उसे रेंट पर दिया होगा तो वहां से अगर उसे रेंट मिलेगा तो उस रेंट को हम टैक्सेबल करते हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड में। ओके, अगर उसका खुद का कोई अपना प्रोफेशन होगा या बिजनेस होगा और उस प्रोफेशन एंड बिजनेस से अगर उसे कुछ इनकम मिलती है तो उसे हम टैक्सेबल करेंगे पीजीबीपी हेड में। अगर उसके पास कोई कैपिटल एसेट है, कोई कैपिटल एसेट है और कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर अगर कोई कैपिटल गेन्स होता है तो उसे हम टैक्सेबल करेंगे कैपिटल गेन हेड में। और इन चारों हेड में जो इनकम नहीं जाएगी वह किस में जाएगी, वह अदर सोर्सेस में जाएगी। ठीक है, हमें पता है कि हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं, फाइव कैटेगरी के होते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम फाइव कैटेगरी के हैं लेकिन सोर्स ऑफ इनकम कितने टाइप्स के होंगे। अगर हम बात करते हैं सैलरी हेड की तो देखिए सैलरी एक एसएससी है, हो सकता है वह दो जगह क्या करा एम्प्लॉयड हो, दो एम्प्लॉयर के अंडर में काम करता हो, पार्ट टाइम काम करता हो, दोनों के यहाँ या एक के यहाँ पार्ट टाइम एक के यहाँ फुल टाइम वर्क करता है और उसे दोनों एम्प्लॉयर से सैलरी रिसीव्ड होती है जो कि टैक्सेबल की जाएगी इनकम अंडर द हेड सैलरी। यहाँ हेड ऑफ इनकम क्या बन रहा है, सैलरी का एक ही हेड ऑफ इनकम है लेकिन सोर्स ऑफ इनकम की अगर हम बात करते हैं तो दो है, क्योंकि इसे दो जगह से सैलरी रिसीव हो रही है। अगर हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की तो हाउस प्रॉपर्टी जो हमारा है एक सोर्स, एक हेड्स ऑफ इनकम है, एक हेड ऑफ इनकम है, लेकिन अगर एक एसएससी के पास दो या दो से अधिक हाउस प्रॉपर्टी होगी जो वह रेंट पर दिया हुआ है तो वहां उसे दो या तीन या चार हाउस प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव हो रहा है ना, तो जितने हाउस प्रॉपर्टी से, जितने नंबर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी से उसे रेंट रिसीव हो रहा है वह सब क्या कही जाएंगी, वह सोर्स ऑफ इनकम कही जाएंगी उस एसएससी। तो सोर्स ऑफ इनकम हमारे अनलिमिटेड हो सकते हैं लेकिन जो हेड्स ऑफ इनकम होते हैं वह केवल और केवल पांच ही होंगे। ओके, तो आइए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट हेड्स ऑफ इनकम जिसे हम कहते हैं सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी। देखिए कोई भी इनकम पहले आप समझिए ना, सैलरी हेड में हमें पढ़ना क्या है, पहले आप इसको देख लीजिए। तो कहा गया है जो सैलरी हेड में हम जो पढ़ेंगे ना उसमें तीन सेक्शन हमको पढ़ना है, तीन सेक्शन, सेक्शन 15 हमें पढ़ना है जो कि चार्जिंग सेक्शन है, सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन है। यह हमें बताएगा कि सैलरी किस बेसिस पर हम चार्ज करेंगे, ड्यू बेसिस पर चार्ज किया जाएगा या रिसीव्ड बेसिस पर चार्ज किया जाएगा। ठीक है, जैसे सैलरी ड्यू होती है तो क्या हुआ, सैलरी जब ड्यू हुई तभी एसएससी की टोटल इनकम में उसे शामिल कर लिया जाए या वह सैलरी जब रिसीव्ड होगी तब उसे हम रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल करेंगे, हमें बताएगा चार्जिंग सेक्शन। फिर इसके बाद डिडक्शन, डिडक्शन दिया गया है सेक्शन 16 में, डिडक्शन बताया कि सैलरी हेड का कंप्यूटेशन करते समय एक एसएससी को
कौन कौन से डिडक्शन दिया जाएगा। तो डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन दिया जाएगा एंड प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन दिया जाएगा। और किस केस में दिया जाएगा यह हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, कुछ मीनिंग के बारे में हमें पढ़ना होगा। जैसे सैलरी, सैलरी मींस क्या। तो सैलरी के बारे में हमें बताएगा सेक्शन 17। तो सैलरी में हम मीनिंग हम देखेंगे सैलरी की मीनिंग, परक्विजिट की मीनिंग, ओके, प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी की मीनिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आप समझिए, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, कि कौन सी इनकम इस सैलरी हिट में टैक्सेबल की जाएगी। कहा गया कोई भी पेमेंट मॉनेटरी नेचर का हो या नॉन मॉनेटरी नेचर का हो, एक इंप्लॉयर जब अपने इंप्लॉय को देगा तो इंप्लॉय के हैंड में वह इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। मींस एक इंप्लॉय को अपने इंप्लॉयर से जो भी कुछ मिलेगा, मींस मॉनेटरी टर्म्स में मिलेगा या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में मिले, किसी भी फॉर्म में मिले, वह सैलरी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि कोई भी इनकम सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल होगी जब पेयर एंड पेई के बीच में इंप्लॉयर एंड इंप्लॉय का रिलेशनशिप हो। हमने क्या देखा, कोई भी इनकम सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल की जाएगी जब पेयर एंड पेई यानी जो रिसीवर है वह क्या हो, इंप्लॉय हो, और उसे जो रिसीव्ड हो रहा है अपने इंप्लॉयर से रिसीव्ड हो रहा है। किसके बदले में रिसीव्ड हो रहा है, जो इंप्लॉय ने सर्विसेज प्रोवाइड किया है अपने इंप्लॉयर को, उसके बदले में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर इंप्लॉय को अपने इंप्लॉयर से कुछ रिसीव्ड हो रहा है तो अब क्या माना जाएगा, इंप्लॉय के सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, इंप्लॉय के हेड में सैलरी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। ओके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, इंप्लॉयर हो सकता है कि अपने इंप्लॉय को डायरेक्टली बेनिफिट दे सकता है या हो सकता है इनडायरेक्टली बेनिफिट दे सकता है। तो दोनों को, डायरेक्टली बेनिफिट इनडायरेक्टली बेनिफिट दोनों को हम शामिल करेंगे, मॉनेटरी फॉर्म में हो या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में हो बेनिफिट दोनों को हम शामिल करेंगे। नेक्स्ट, इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप में कुछ एक्सेप्शन है। देखिए जैसे कि अगर एक पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म की तरफ से कुछ सैलरी दिया जाता है तो यह सैलरी किस हेड में टैक्सेबल की जाएगी। तो हम देखेंगे क्या पेयर एंड पेई के बीच में इंप्लॉयर एंड इंप्लॉय का रिलेशनशिप है, तो एक पार्टनर और एक पार्टनरशिप फर्म के बीच में कभी भी इंप्लॉयर एंड इंप्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता है। ठीक, अगर एक पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में अगर इंप्लॉयर एंड इंप्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म की तरफ से दिया जाने वाला सैलरी पार्टनर के हेड में सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। तो किस हेड में टैक्सेबल किया जाएगा, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा या अदर सोर्सेस में टैक्सेबल किया जाएगा, वह जैसा भी केस होगा। सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर सैलरी रिसीव्ड होती है तो यह कहां पर टैक्सेबल की जाएगी। कहा गया कि हम देख सकते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है और जो उसे सैलरी गवर्नमेंट से मिल रही है उनके बीच में इंप्लॉयर एंड इंप्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, तो अगर इंप्लॉयर एंड इंप्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है तो सैलरी हेड में यह टैक्सेबल नहीं हो जाएगा। देखिए आगे सैलरी वर्ड है लेकिन हम सैलरी हेड में इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे।
नेक्स्ट लोन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। अगर एक एम्प्लॉयर अगर एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर कुछ लोन रिसीव्ड हो रहा है तो क्या उसे आप सैलरी हेड में टैक्सेबल करेंगे लोन की अमाउंट को? नहीं, लोन की अमाउंट को हम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे। हमने क्या कहा, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से रिसीव्ड हो रहा है मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फॉर्म में, किसके बदले में? सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में एम्प्लॉय को रिसीव हो रहा है। लेकिन जो लोन रिसीव हुआ है, लोन तो रिपेबल है ना, लोन अगर एक एम्प्लॉय ने लोन लिया है अपने एम्प्लॉयर से तो जाहिर सी बात है कि भविष्य में उसे रिपे करेगा उस अमाउंट को। तो अगर वह रिपे करने वाला है तो वह सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, रिम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय डायरेक्टर्स फ्रॉम कंपनी। अगर एक डायरेक्टर है, अगर उसे रिम्यूनरेशन रिसीव्ड हो रहा है कंपनी की तरफ से, तो यह रिम्यूनरेशन डायरेक्टर के हैंड में सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा कहा गया। इसके लिए हमें देखना होगा कि जो डायरेक्टर है उस कंपनी का इम्प्लॉय है या इम्प्लॉय नहीं है, मतलब कि कंपनी एंड डायरेक्टर के बीच में क्या इम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर इम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इम्प्लॉय डायरेक्टर के हेड में सैलरी हेड में टैक्सेबल कर लिया जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टर एंड कंपनी के बीच में इम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, मींस कि डायरेक्टर कंपनी का इम्प्लॉय नहीं है, मैनेजरियल पर्सन है, ठीक है, मतलब उसे एक स्पेसिफिक वह कभी कभी मतलब क्या डिसीजन लेता है, बोर्ड की मीटिंग अटेंड करता है, डिसीजन लेते हैं, उनके बदले में उन्हें एक रिम्यूनरेशन फीस का पेमेंट किया जाता है, फीस का पेमेंट किया जाता है, सैलरी का पेमेंट नहीं किया जाता है उन्हें, मंथली सैलरी नहीं। देखिए जो सैलरी होती है ना वो मंथली दी जाती है, ठीक है, तो अगर मंथली बेसिस पर उन्हें नहीं दिया जा रहा है, उन्हें फीस दिया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि कंपनी एंड डायरेक्टर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है तो यह सैलरी हेड में टैक्सेबल भी नहीं होगा। नेक्स्ट, फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में क्या कुछ डिफरेंट है? अगर सपोज करिए अगर एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, अगर एक पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, तो क्या दोनों में डिफरेंट हम करेंगे? नहीं, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में जो सैलरी रिसीव होगी एम्प्लॉय को वह भी सैलरी हेड में टैक्सेबल की जाएगी, एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में अगर कुछ सैलरी रिसीव होती है एम्प्लॉय को तो वह भी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल की जाएगी। ओके, सपोज करिए एक एम्प्लॉय हो, वह अपन एक एम्प्लॉय के पास फुल टाइम एम्प्लॉयड है एंड सेकेंड एम्प्लॉयर के पास पार्ट टाइम एम्प्लॉयड है, तो दोनों एम्प्लॉयर से जो सैलरी रिसीव होगी वह सैलरी हेड में ही टैक्सेबल की जाएगी। नेक्स्ट, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब ये है कि, कहने का मतलब ये है कि जब एक बार सैलरी ड्यू हो जाती है इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय, मानी एक बार अगर कोई सैलरी एम्प्लॉय को ड्यू हो गई तो वह सैलरी एम्प्लॉय को रिसीव्ड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी अगर एक बार सैलरी एम्प्लॉय को ड्यू हो गई तो एम्प्लॉय के हैंड में उसे हम सैलरी हेड में टैक्सेबल कर देंगे। ओके, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि देखिए ए एम्प्लॉयर है, ये मिस्टर ए है जो एम्प्लॉयर है मिस्टर बी का। ओके, और मिस्टर बी ने इंस्ट्रक्शन दिया है मिस्टर ए को कि आप हमारे अप्रैल मंथ की सैलरी जो है आप हमें मत देकर एक चैरिटेबल ट्रस्ट है आप उसे दे दीजिएगा। कहने का मतलब कि बी ने अपने एम्प्लॉयर से क्या कहा कि अप्रैल मंथ की सैलरी आप हमें मत दीजिएगा और हम आपको बता रहे हैं कि यह चैरिटेबल ट्रस्ट है आप इसको दे दीजिएगा,
इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो यह अमाउंट जो चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया जा रहा है तो वह किसके एंड में टैक्सेबल होगा? कहा जाएगा कि मिस्टर बी ने ही उस अमाउंट को रिसीव किया है और इन्हीं के हेड में, मिस्टर बी के हेड में ही सैलरी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है टैक्सेबल इन द हेड ऑफ एम्प्लॉय। सपोज करिए मिस्टर, अब ऐसे क्या हुआ कि 10,000 रुपये मान लेते हैं कि 10,000 रुपये सैलरी रही होगी, ओके 10,000 रुपये। अब मिस्टर, सपोज करिए मिस्टर ए मिस्टर बी को 10,000 रुपये का पेमेंट करते और फिर, तो अगर पेमेंट करते मिस्टर बी को तो बी के में टैक्सेबल हो जाता, फिर उसके बाद मिस्टर बी इस चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर देते, तो बात तो ही है ना, एक घुमा फिरा कर बात तो ही हो रही है ना, चाहे इसको यह पेमेंट करें फिर इसके बाद पेमेंट करें, चाहे डायरेक्टली इसको पेमेंट कर दें, लेकिन टैक्सेबल किसके हैंड में किया जाएगा? मिस्टर बी के हैंड में ही टैक्सेबल किया जाएगा। नेक्स्ट, सरेंडर ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि आप हमारे अप्रैल मंथ की सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, एक स्पेसिफिक अकाउंट में एज ए डोनेशन ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉयी अपनी किसी मंथ की सैलरी को ट्रांसफर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में, तो सैलरी के एम्प्लॉय के हेड में वह एग्जम्प्ट हो जाएगा, माने एम्प्लॉय के हेड में एग्जम्प्ट हो जाएगा, मतलब कोई उस अमाउंट पर एम्प्लॉय को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओके, ऐसा प्रोविजन बनाया गया है। सैलरी पैड टैक्स फ्री। सैलरी पैड टैक्स फ्री कहने का मतलब क्या कि यहाँ पर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट तो कर रहा है, लेकिन उस सैलरी पर जो इनकम टैक्स आ रहा है ना, उस इनकम टैक्स का भी पेमेंट किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा। सैलरी का पेमेंट तो किया जा रहा है एज यू एज, इनकम टैक्स का भी पेमेंट किया जा रहा है उस सैलरी पर। तो कहा गया कि हम देखेंगे कि जो टैक्स का पेमेंट एम्प्लॉयर ने किया है वह मॉनेटरी बेनिफिट पर किया गया है या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट पर किया गया है। सपोज करिए अगर उसे मंथली सैलरी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मंथली सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ का पेमेंट करता है, अगर उस अमाउंट पर उसने इनकम टैक्स का पेमेंट किया होगा, तो इन जितना अमाउंट का पेमेंट किया गया होगा एम्प्लॉयर के द्वारा एज ए इनकम टैक्स, उस अमाउंट को भी हम सैलरी मान लेंगे और उसे सैलरी हेड में टैक्सेबल कर देंगे। ओके, माने जो उसे सैलरी मिला है वो तो टैक्सेबल होगा ही एम्प्लॉय के हेड में, प्लस इस सैलरी पर जो इस मॉनेटरी सैलरी पर जो इनकम टैक्स का पेमेंट किया गया होगा एम्प्लॉयर के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयी, उस अमाउंट को भी हम ऐड कर लेंगे और फिर टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी हेड आ जाएगा हमारा। लेकिन अगर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट पर अगर इनकम टैक्स का पेमेंट किया गया होगा एम्प्लॉयर के द्वारा, तो उस अमाउंट को हम सैलरी हेड में ऐड नहीं करते, मीन उसे एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड किया, ओके, जिसकी वैल्यू आती है 2,00,000 रुपीज और उस पर जो इनकम टैक्स निकल कर आता है वह 20,000 रुपये आता है। अगर यह 20,000 रुपये एम्प्लॉय के द्वारा पेमेंट किया गया होगा ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, तो उस 20,000 रुपये को हम सैलरी हेड में एड नहीं करेंगे, केवल वह केवल 20,000 रुपये को एड नहीं करते हैं। ठीक, लेकिन जो
परक्यूजर्स की वैल्यू है ना वो सैलरी हेड में टैक्सेबल की जाएगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय की। नेक्स्ट प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैलरी अर्न इन इंडिया इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इवन इफ इट इज पेड आउटसाइड इंडिया और इट इज पेड। देखिए कहने का मतलब यह है कि अगर कोई इंप्लॉय इंडिया में कार्य करता है ठीक इंडिया में इंप्लॉयड है लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट वह आउटसाइड इंडिया चला जाता है और उसे आउटसाइड इंडिया पेंशन रिसीव होता है किसके बदले में, इसके बदले में क्योंकि उसने इंडिया में वर्क किया है इंडिया में अब अपने होल टाइम इंडिया में उसने वर्क किया अब आफ्टर रिटायरमेंट होने के बाद वह आउटसाइड इंडिया चला गया और जो इंडिया का एम्प्लॉयर है वह उससे आउटसाइड इंडिया पेंशन का पेमेंट करता है तो जो इम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया चला गया है जिसको पेंशन मिल रही है ना वह माना जाएगा वह पेंशन वह सैलरी इंडिया में ही एक्रू और अराइज हो रही है और अगर कोई इनकम इंडिया में एक्रू और अराइज होती है तो वह इंडिया में टैक्सेबल भी होती है। ओके इसलिए हम लोगों ने स्कोप ऑफ टोटल इनकम में पढ़ा हुआ है ठीक। और सपोज करिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय है ठीक है इंडियन एम्बेसी में कार्य करता है जो कि आउटसाइड इंडिया है तो अगर उसे कोई आउटसाइड इंडिया कोई सैलरी का पेमेंट किया जाता है तो वह माना जाएगा कि इन इंडिया में ही एक्रू और अराइज हो रहा है ओके और उसके इंडिया में वह इनकम टैक्सेबल भी की जाएगी। तो हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर में